नीतीश जी हो या आरएसएस हो, ये लोग तो शुरू से यही लोग चाहते हैं कि कमजोर हो, लेकिन हम लोग कमजोर थोड़े होते हैं, हम लोग तो उभर करके सामने आने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला एमएलए और पार्टी के नेताओं का जारी है। आपको बताएं कि श्याम रजक ने जहां जदयू से नाता तोड़ करके आरजेडी के साथ नई पारी की शुरुआत की, तो आरजेडी का दामन छोड़ करके 6 विधायक शामिल हो चुके हैं जदयू में। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब तेज प्रताप यादव ने नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा रहा है बिहार में आरजेडी और खास करके लालू यादव को कमजोर करना। इन तमाम चीज़ों के बीच में तेज प्रताप यादव ने साफ कहा है कि आने वाले वक्त में वो बता देंगे कि कितनी बड़ी भगदड़ जदयू में मचने वाली है। तेज प्रताप यादव ने इशारों में साफ किया है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में बड़ी संख्या में जदयू छोड़कर के जो विधायक हैं वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ कहना है तेज प्रताप यादव का, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। तेज प्रताप जी, नीतीश जी क्या चाहते हैं? नीतीश जी चाहते हैं कि आप लोगों को कमजोर किया जाए? नीतीश जी हो या आरएसएस हो, ये लोग तो शुरू से यही लोग चाहते हैं कि कमजोर हो, लेकिन हम लोग कमजोर थोड़े होते हैं, हम लोग तो उभर करके सामने आने का काम करते हैं। लेकिन एक मैसेज ये जा रहा है ना, देने की कोशिश की जा रही है कि दरोगा राय प्रसाद के फैमिली को, रामलखन बाबू के फैमिली को, तो ये एक मैसेज देने की जदयू की से कोशिश की जा रही है कि जो यादव नेता हैं बड़े पैमाने पर वो जदयू आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि जो यादव हैं या सारे समाज के सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, केवल यादव ही नहीं, पीछे हटिए ना भाई, इसलिए सारे वर्ग के और सारे समाज के लोग हम लोग के साथ हैं, पूरे तरीके से यूनाइटेड, क्योंकि पूरी तरीके से हम घूमने का काम करें, तमाम जनता का हमें सपोर्ट और प्रेम और आशीर्वाद मिलने का काम। चंद्रिका राय की नाराजगी तेज प्रताप यादव से है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ में चुनाव में आदमी नेता उतारा, जिसको उतारना उतार ले, कौन चंद्रिका राय कौन फंद्रिका राय उससे हमको क्या मतलब है, उनका कोई हैसियत औकात है क्या हमारे सामने खड़ा होने का? उनको औकात है तो आइए हमारे गेट पे फड़िया लेते हैं, औकात है उनका, औकात है चंद्रिका राय को औकात है तो फड़िया है आगे। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय भी चुनाव लड़ सकती हैं। अरे जिसको लड़ना है लड़े, उन लोग से हमको क्या लेना देना, हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, उसी समय हमारा संबंध खत्म हो गया था। लेकिन चुनाव में हर एक तरीके से कमजोर है, सारे सबूत हमारे पास है, वो तो नारी है तो नारी का हमने सम्मान करने का काम किया, मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं दिखाने के लिए।